एक बार एक व्यक्ति अपने तीन बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके वो तीनों बच्चे बहुत ही नटखट थे, बहुत ही मस्तीखोर थे। वो हर तरफ मस्ती कर रहे थे। एक व्यक्ति वहीं पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उन बच्चों ने उसका न्यूज़पेपर फाड़ दिया। दूसरे ही कुछ यात्री वहीं पर खाना खा रहे थे। उन्होंने उनका खाना फेंक दिया। वो बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। एक दूसरे यात्री को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि ये कितने शैतान बच्चे हैं। क्या इनके माता पिता ने इन्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? उनके पिता वही साइड में गर्दन झुकाकर सो रहे थे और उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि ये बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं। इनके पिता को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि दूसरे यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। जब वो बच्चे कुछ ज्यादा ही मस्ती करने लगे तो उस व्यक्ति से ये बात सहन नहीं हुई और उस व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति को जगाया और कहा कि आपके बच्चे इतने ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने कोई शिक्षा नहीं दी है इन्हें। उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराया और कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं। 2 दिन पहले ही मेरी पत्नी अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गई और कल रात को उसका देहांत हो गया और आज हम लोग उसका अंतिम संस्कार करके घर लौट रहे हैं। वाकई में आपने सच कहा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और शायद इन बच्चों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि इनके साथ क्या हुआ है या इन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति गुस्से में लाल था, जिसे गुस्से के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अब उस व्यक्ति की बातें सुनकर ठंडा पड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस व्यक्ति से क्या कहे। यहाँ पर इस बात को समझिए कि जीवन में सारा का सारा खेल होता है नजरिए का, कि आप किसी कंडीशन को किस प्रकार से देखते हैं या वो कंडीशन आपके ऊपर किस प्रकार से हावी होती है। आप चीजों को जिस प्रकार से देखेंगे वो चीजें उस प्रकार से बन जाएगी। अब चाहे आप उसे पहली कंडीशन में देखें या फिर दूसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन में उस व्यक्ति को उन बच्चों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, वो परेशान था। लेकिन जब उस व्यक्ति ने उनके पिता की बातें सुनी, वहीं पर उसका गुस्सा शांत हो गया, वो ठंडा पड़ गया। उसके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा था। अब उस व्यक्ति को उन बच्चों के ऊपर प्यार आ रहा था, स्नेह आ रहा था। वो उन बच्चों से बातें करना चाहता था, उन्हें खिलाना चाहता था। तो यही फर्क होता है नजरिए का। आप किसी भी चीज के प्रति अपने नजरिए को बदल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अच्छे नजरिए से देखना चाहते हैं या फिर बुरे नजरिए से।